हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले जो कि जीएस स्कोर का है। ये तो ये पूरी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा कि इन्वायरमेंट लेसन से, तो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे काफ़ी शानदार मुझे ये टेस्ट सीरीज़ लगा, तो इसलिए मैं आप लोग के पास यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वीजन आइस की जो मैगज़ीन की मैं टेस्ट सीरीज़ करवाती थी, तो अब क्या है कि मुझे उसे हाइड करना पड़ा ड्यू टू सम रीज़न। बट मैं इस टेस्ट के माध्यम से आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग वीजन आइस की मैगज़ीन को डील कर रहे हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है। मैगज़ीन को तो यहाँ पर हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, बट टेस्ट सीरीज़ आप लोग को ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप लोग को मुझे मेल करना होगा rishika.ch77@gmail.com। उसके बाद एक अलग से आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं आपको जोड़ूंगी, लेकिन आपको पहले मेल करना होगा, तभी फिर आप लोगों को मैं फर्दर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस तरीके से आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी है। और जिस किसी को भी हमारे वीजन आइस टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो ज़रूर हम लोग को मेल कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, पूरी क्वेश्चन हम लोग 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले, तो देखते हैं आप लोग को आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आते हैं। यहाँ पे जो मेन आपका टारगेट है 110 लेकर चल रही हूँ, ठीक है। 110 से 115 इतना आपका जो है कट ऑफ मार्क्स है। कोशिश कीजिएगा कि इससे ज़्यादा लाने का, लेकिन कोई बात नहीं, कम भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आप लोग के पास टाइम है। 25 डेज स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो उसी के थ्रू आप लोग अपने प्रिपरेशन को और अच्छा मोड दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हैप्पी टीचर्स डे है, सो हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ़ यू। बहुत अच्छा लगा आप लोग के विशेज़ वगैरह देखकर, काफ़ी बच्चों के मेल आए, आप लोग ने टेलीग्राम पे मुझे मैसेज किया, काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे आप लोग मुझसे कुछ सीख पा रहे हो तो मैं भी आप लोग से बहुत सारी चीज़ें सीख पा रही हूँ। आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स, और कुछ चीज़ें होती है जो मैं मिस्टेक करती हूँ उसको आप लोग फिर से मुझे बताते हो कि मुझे कहाँ करेक्ट करना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें मुझे भी आप लोग से सीखने को मिला है। तो इसलिए आप लोग भी मेरे वैसे ही गुरु हूँ जैसे मैं आप लोग की हूँ, है कि नहीं। तो चलिए अच्छा है, सेलिब्रेट कीजिए इस दिन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है कि एक बैलेंस, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन के बीच में एक बैलेंस बनाने को हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि इकोलॉजिकल बैलेंस वाइटल है हमारे इकोसिस्टम के लिए, कि इकोसिस्टम जो है हमारा स्टेबल रहता है, इसलिए यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर आंसर जो करेक्ट है वो दोनों ऑप्शन, जो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि जो भी हमारे इकोसिस्टम में कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर रहते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरडिपेंडेंट ज़रूर होते हैं, या फिर आप लोग देखोगे कि एबायोटिक कंडीशन पे भी वो डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है कि जो बायोटिक है जैसे लिविंग है और एबायोटिक है जैसे कि नॉन लिविंग है, तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर आपका कंडीशन है, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस मेंटेन किया जाता है उसको हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल बैलेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे इकोसिस्टम में एक आपको स्टेबल देखने को मिलता है कि हमारा इकोसिस्टम स्टेबल है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट है कि जो लास्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन है एशियाटिक लायन का, ये कॉम्पैक्ट ट्रैक ऑफ कहाँ पे है, तो ड्राई डेसिजियस फॉरेस्ट में और ओपन ग्रासी स्क्रब लैंड जो कि साउथ वेस्टर्न गुजरात में देखने को मिलेगा। तो ये यानी कि एशियाटिक लायन के बारे में हम लोग बात करें तो ये लास्ट सर्वाइविंग एशियाटिक लायन के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ है, तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में और ओपन ग्रासी स्क्रब लैंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड है कि जो इंडियन राइनो है ये सारे राइनो स्पेसीज में से सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, छोटे होते हैं। थर्ड है कि जो बैक्टीरियन कैमल है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। तो इसमें से आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पर हम लोग राइनो के बारे में भी पढ़े, एशियाटिक लाइन्स के भी बारे में पढ़े, और बैक्टीरियन कैमल से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया तो उसी को यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि आपका कितना अच्छा प्रैक्टिस है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है कि जो एशियाटिक लाइन है और ये लास्ट सर्वाइविंग जो पॉपुलेशन है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, और गुजरात में भी कहाँ, तो आपका ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है वहाँ पे और एक स्क्रब लैंड है आपका, ठीक है। एशियाटिक लाइन के बारे में बात करूँ तो ये आपका काफ़ी स्मॉलर होते हैं अगर अफ्रीकन लाइन के कंपैरिजन में देखें। एक अफ्रीकन लाइन है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और एशियाटिक लाइन है जो कि आपको इंडिया वाले जगह पर देखने को मिलेगा।
आप देखोगे कि एसेटिक लाइन हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहला जो है आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा ईस्ट में, और साथ ही साथ जो है रेवा जो कि आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ सेंट्रल इंडिया में बात करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। एट प्रेजेंट कहाँ है, तो गीर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिर्फ एक जगह है जहाँ पर एसेटिक लाइन मिलता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही कुछ और बात करें सेकेंड यस कि इंडियन राइनो के बारे में कि ये स्मॉलेस्ट है सब में से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन राइनो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा, आप लोग देखे भी होंगे इसकी फ़ोटो। और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरियन कैमल जो है ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। बैक्टीरियन और डबल हम्प, देखिए जो आपका कैमल होता है ना उसमें एक हम्प होता है, तो ये डबल हम्प वाले जो कैमल होते हैं उसको बैक्टीरियन कैमल कहते हैं। तो ये सेंट्रल और ईस्ट एशिया वाले रॉकी डेजर्ट में भी पाया जाता है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो इंडिया में सिर्फ लद्दाख वाले एरिया में जो नुब्रा वैली है ना वहाँ पर आपका पाया जाता है। तो हर एक चीज़ आपको छोटी छोटी डिटेल भी पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ देख लेते हैं और डबल हम्प, ये हम्प कैमल के बारे में, तो ये जो बैक्टीरियन कैमल्स है ना इसमें दो हम्प होता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये हम्प जो है ये उसी तरीके से फंक्शन करता है जैसे कि एक सिंगल हम्प है, यानी कि ये फैट को स्टोर करता है और इसको फिर वाटर में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है जब भी ये अवेलेबल नहीं होता। आप लोग देखते हो कि कैमल को जो है रेगिस्तान का व्हीकल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि कैमल क्या करते हैं कि बहुत लंबे समय तक बिना पानी के वो जिंदा रह सकते हैं, तो वो इस हम्प में जो है उनका वाटर स्टोर होता है इसीलिए, ठीक है। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है विथ रेफरेंस टू डिपोजिशनल मैंग्रोव्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट बतानी है। मैंग्रोव जो है वो हमारे सारे कोस्टल स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और आइलैंड में पाया जाता है। सेकंड है कि जो कोरिंगा मैंग्रोव्स है ये कहाँ है, उड़ीसा में। अब ये डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है तो आपको जगह भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट अगर बात करें, मैंग्रोव सारे कोस्टल स्टेट में पाया जाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिएगा कि सारे कोस्टल स्टेट में ज़रूर पाए जाते हैं मैंग्रोव, यूनियन टेरिटरी में भी है लेकिन आइलैंड में भी है, लेकिन आपका लक्षद्वीप में मैंग्रोव नहीं है। द थिंग इज़ दैट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप में ये नहीं है। सेकंड है कि कोरिंगा अगर हम लोग बात करें तो ये उड़ीसा में नहीं, ये हमारे आंध्र प्रदेश में है। तो दोनों बातें पता चल गया, दोनों इनकरेक्ट है। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। कोई भी मैंग्रोव डिस्ट्रीब्यूशन आपको लक्षद्वीप आइलैंड में नहीं देखने को मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार में जो है गुड अमाउंट ऑफ मैंग्रोव प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे लक्षद्वीप में नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। मैंग्रोव जो है एक आपको मैंग्रोव क्यों कहते हैं, मैंग्रोव ट्री आपका अलग होता है, इसकी जो रूट्स होते हैं ना, जैसे कॉमन ट्रीज़ के रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर होते हैं, बट मैंग्रोव ट्रीज़ के जो रूट्स है ना वो इसके साथ साथ बाहर इस तरीके से होते हैं, जो कि आपका एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काफ़ी बड़ा काम किया जाता है इनके द्वारा, तो इसलिए मैंग्रोव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फर्स्ट है कि ये 1983 में सेटअप किया गया था, वो भी यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर, जिसको अंकटाड भी कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ITTO के द्वारा जो है यहाँ पे क्या काम किया जाता है कि जितने भी यहाँ पे आपका सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट से कंसर्न जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर सबको एक साथ लाया जाता है, यानी कि सारे कंट्रीज़ जो कि प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, आपके कंज्यूमर कंट्रीज़ हैं, उन सबको एक जगह लाया जाता है ये ITTO में। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। अगर ITTO के बारे में बात करूं तो ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1983 में ही ये आपका सेटअप किया गया था, वो भी अंकटाड के थ्रू, और सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर शेयर कर दूंगी, तो आप लोग डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन भी आप लोग पढ़ सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में। मैं यहाँ पे आपको जितना ज़रूरत है उतना बता रही हूँ, अगर एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करने लगूँ तो लेसन फिर 3-4 घंटे के हो जाएंगे, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं बनता। फिफ्थ है कि नेशनल फॉरेस्ट कमीशन को 2003 में बनाया गया था, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सेटअप करने का। पहला है कि लॉन्ग टर्म बेटरमेंट, यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का हमारे इंडिया में लंबे समय तक बेटरमेंट हो सके। सेकंड है कि जो नेशनल कमिटमेंट है इकोलॉजिकल सिक्योरिटी का, उसको मेंटेन करना। तो करेक्ट आपको बताना है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो करेक्ट की बात करूँ तो नो डाउट दोनों ऐसे भी आपको करेक्ट ही लगेगा। कोई भी अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड कमीशन बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है, सबसे पहले जंगल को कंजर्व करने के लिए, और जंगल में रहने वाले जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनको कंजर्व करने के लिए बनाया जा रहा होगा, ऑब्वियसली है कि नहीं। उसके बाद आप लोग देखोगे कि नेशनल कमिटमेंट जो किया गया है कि इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए, कि हमारे इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल ये सारी चीज़ें हमारा पूरा सिक्योर रहे, तो उसके लिए ये जो है मेंटेन किया जाएगा। तो दोनों में किसी भी तरीके का आपको गलत तो नहीं लगना चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट ऐसे भी करेक्ट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स है यहाँ पे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का हमारे इंडिया में बैन किया गया है, तो इसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ये जो बैन इम्पोज किया गया है ये 5th ऑफ जून 2019 से किया गया है।
सेकंड देखिए इससे क्या होगा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूजेस और जो इंपोर्ट किया जाता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक ये ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। थर्ड है कि ये ऑन गोइंग जो स्वच्छ भारत मिशन है उसी का ये पार्ट है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पे बहुत डेट दिया गया है, ठीक है। तो डेट इसलिए दिया गया है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट को ये काम किया गया था। तो कोई भी काम अगर बहुत इंपॉर्टेंट डेट में किया जाता है ना तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि यूपीएससी डायरेक्टली तो नहीं पूछती लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट देने का मतलब यही है कि उस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना देना, ठीक है। थोड़ा टाइम और आपका ले लेना कि आप लोग और ज़्यादा सोचो लंबे समय तक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया था तो हमारे यहाँ जो महात्मा गांधी जी का 150 बर्थ एनिवर्सरी था ना उसी दिन ये अच्छा शुभ काम किया गया था 2nd of October 2019 को। तो बहुत बड़ा यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट किए थे 150 बर्थ एनिवर्सरी इनके इस उपलक्ष्य में बहुत सारा काम किया गया था। तो वो भी आपको पता होना चाहिए, एक जगह ज़रूर नोट डाउन कर लिया कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होता है हमारे इंडिया में तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट जैसे ही इनकरेक्ट हो गया आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया जो कि बी है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है क्योंकि गवर्नमेंट का भी एम है कि 2022 तक पूरी तरीके से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको एलिमिनेट करना है, उसके इस्तेमाल को एलिमिनेट करना है। तो 6 सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम जो है वो स्क्रैप किया गया है जो कि आपको उसी दिन से देखने को मिलेगा। सबसे पहले सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहने का मतलब है कि वैसे प्लास्टिक जिसको आप एक बार यूज़ करते हो और फिर फेंक देते हो, दोबारा आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे स्ट्रॉ होता है, कप हो गया, प्लेट हो गया, स्मॉल बॉटल्स हो गया, कुछ तरीके के सैशे हो गए जैसे शैम्पू के सैशे खरीदते हो या फिर कुछ भी जो छोटे छोटे पैकेट में मिलते हैं, पाउच में मिलते हैं, तो वो सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं। तो उन सारे चीज़ों को बैन करने का काम किया गया है। साथ ही ये जो हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उसी का ये आपको पार्ट देखने को मिलेगा, उसी में इस तरीके की चीज़ों को रखा गया है कि अब हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करेंगे जिससे कि थोड़ा सा स्वच्छ हो सके हमारी कंट्री। सेवन्थ में आते हैं, यहाँ पे है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1927 का है, इसके द्वारा ड्यूटी लिवाई किया गया है वो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स में। सेकेंड है कि जो फॉरेस्ट्री है वो हमारे कंकरेंट लिस्ट में आता है। थर्ड है कि जो आज के डेट में रिसेंटली देखोगे कि IFA 1927 का अमेंडमेंट हुआ है और ये पास किया गया है जिसके थ्रू ऑफिशियल्स को परमिट किया गया है कि वो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफेंसेस को इस्तेमाल कर इसको रोकने के लिए जो है ना, यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी अगर अपराध हो रहा है तो उसको रोकने के लिए वो आर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ऑनली, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे पहले जो है आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया कीजिए अगर इस तरीके का तीन स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिसेंटली जो है एक अमेंडमेंट किया गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में 1927, और इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका अब आर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई फॉरेस्ट में किसी भी तरीके का अपराध हो रहा है तो उसको मारने के लिए किसी भी तरीके का हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे कंट्री में इस तरीके का कानून जो है अमेंडमेंट होकर इस तरीके का बात रखा जाएगा कि कोई भी हथियार आराम से उठा ले, ऐसा कभी होता है क्या हमारे कंट्री में? ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फिलहाल के लिए तो नहीं है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब जैसे ही आप थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट करोगे आपके पास तो आंसर ऐसे ही निकल कर आ गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 1927 का यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है जिसके थ्रू ड्यूटी लिवाई किया गया है फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, और फॉरेस्ट हमारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट होता है तो उसमें स्टेट भी अपने तरफ से वो कानून बना सकते हैं और सेंटर को भी यहाँ पे हक है कि वो कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, याद रखिएगा फॉरेस्ट्री के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। 8th क्वेश्चन में आते हैं मोजाइक एक्सपेडिशन के बारे में है। इनमें से कौन सा फीचर्स है जो कि यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट एक्सपेडिशन से रिलेटेड है? तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि यहाँ पे नेचुरल आइस का यूज़ किया जा रहा है वो भी ड्रिफ्ट के लिए। सेकेंड है कि अगर रिसर्च का ड्यूरेशन देखें तो 3 मंथ है। थर्ड है कि एग्जीक्यूशन जो है वो समर 2020 में होगा, और फोर्थ है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को ये अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरीके का एक्सपेडिशन किया जा रहा है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि यहाँ पे आपका बात किया जा रहा है मोजाइक एक्सपेडिशन मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी, यानी कि जो हमारे आर्कटिक क्लाइमेट का जो स्टडी करने के लिए यहाँ पे आपका ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी को मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा, एक्सपेडिशन से एक तरीके का। तो ऑब्वियस है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, उसको समझने का इस तरीके से एक्सपेडिशन करें। सो फोर्थ स्टेटमेंट तो नो डाउट करेक्ट है, और फर्स्ट भी आप लोग देख सकते हो कि नेचुरल आइस वो भी ड्रिफ्ट के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आर्कटिक ओशन, आर्कटिक रीजन में आप देखोगे कि आइस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नेचुरल आइस का इस्तेमाल किया जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। बट
यहाँ पे आप सेकंड देखोगे कि ड्यूरेशन सिर्फ 3 महीने का है और स्टार्ट कब होगा, ये आपका समर 2020 में होगा, ठीक है। तो ये ऑल ईयर राउंड आपका ये ऑपरेशन है, पूरे एक साल चलेगा, 3 महीने नहीं चलेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड आप देखोगे कि कहा जा रहा है कि ये 2020 में स्टार्ट होगा, नहीं, ये आपका विंटर में 2019 से स्टार्ट होगा 2020 तक। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। सो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे सही है, तो ए बी ऑप्शन सही है, डी भी सही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, बट द थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए। तो आइए अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। C40 सबमिट हुआ था 2019 में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट कि ये जो ग्रुप है ये कमिट करता है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से होने वाले सारे जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे एड्रेस की जाती है। इस बार की थीम है यहाँ पे सेव वाटर। एंड थर्ड है कि ये कहाँ हुआ था, तो कोपेनहेगन में हुआ था। तो आपको बताना है कि करेक्ट क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका ग्रुप है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपका बात होता है। C40 कहने का मतलब है कि ये एक नेटवर्क है वर्ल्ड के मेगा सिटीज़ का जो कि कमिट करते हैं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जाता है। C40 सिटीज़ जो है वो सपोर्ट करते हैं, यानी कि अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, उनको किस तरीके से लगता है कि क्या क्या एक्शन लेना चाहिए जिसके थ्रू क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे टैकल कर सके, इसके थ्रू जो है मेजरेबल चीज़ें यहाँ पे ला सके, तो ये सारे काम किए जाते हैं। C40 आप देखोगे कि ग्रुप कनेक्ट 94 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिटी। C40 कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ 40 सिटी है, नहीं, इसमें 94 सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड, और इसका गोल है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको लोकल लेवल पे जो है उसको पूरा करना है। और ये इस ईयर में जो आपका ये सबमिट हुआ था ये कोपेनहेगन में ही हुआ था, और जो थीम था वो था इस बार ये सेव वाटर नहीं था। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, और जैसे ही आपका इनकरेक्ट हुआ आपके पास आंसर निकल के आ गया। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें थीम का, तो इसका है कि क्लीन एयर सिटीज़ डिक्लेरेशन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अब आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। ये है स्वच्छ निर्मल तट अभियान, तो इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है, यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसका एम है कि जितने भी बीचेस है इसको क्लीन करना है, और अवेयरनेस होना चाहिए सिटीजन्स में, वो भी कि कोस्टल इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंस को लेकर। सेकेंड कि ये इनिशिएटिव किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का है, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ये चलाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड या बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे अब हम लोग करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम लोग को गलत फाइंड आउट करना है। पहला बिल्कुल सही है, ये आप लोग नाम से ही समझ सकते हो, स्वच्छ निर्मल तट अभियान, यानी कि निर्मल तट बीच को क्लीन करने का बात किया जा रहा है। लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए कि कोस्टल इकोसिस्टम को भी हम लोग को कंजर्व करना है, सेव करना है। सो फर्स्ट इज़ नो डाउट करेक्ट है। सेकंड, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का अभियान जो है ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, तो ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा नहीं लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये लिया गया है, ठीक है। सो सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि एग्जाम टाइम में ये बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा जो है इस तरीके का मिस्टेक किया जाता है कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, लेकिन आप करेक्ट लगा के आ जाते हो, तो हड़बड़ी नहीं है, यही सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, यहाँ मेरे साथ कर लीजिए, वहाँ आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। 11th क्वेश्चन में आते हैं। ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट, ये आपका पब्लिश किया जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल इनिशिएटिव, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आपका कभी भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि बेसिकली ILO जो बात करते हैं वो वुमेन की कंडीशन पे बात करते हैं, बच्चों की कंडीशन पे बात करते हैं, लेबर के बारे में बात करते हैं, तो ये इनको मोबिलिटी से लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। फोर्थ आपका कट गया, आप लोग यहाँ पे अटक सकते हो, ये आपका IOM भी है, तो ये माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, बट माइग्रेशन का यहाँ पे आपका कोई बात नहीं किया जा रहा है, तो ये भी आप लोग कट कर सकते हो। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी है, इट मीन्स कि सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल इनिशिएटिव, ठीक है। तो याद रखिएगा SUM4ALL है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें कि कलेक्टिवली ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जो कि आपका मोबिलिटी एक्सपेक्टेशन को मीट किया जाएगा, यानी कि जो आप लोग देखते हो कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है उसको सही तरीके से अप टू द मार्क किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है। आते हैं और इसमें देखिए कि सस्टेनेबल मोबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो इसके अंदर आपका 4 एरियाज़ है। सबसे पहला है कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, सारे लोगों को मिलना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, साथ ही साथ आपका सेफ्टी हो, और उसके बाद ग्रीन मोबिलिटी भी हो, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन ना हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको भी ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट आते हैं 12th, इसमें इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन,
तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ये ऑब्जर्व किया जाता है 13th of October, जिसके द्वारा एक ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस और डिजास्टर रिडक्शन को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। सेकेंड है कि जो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन का आइडिया है, ये इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था 2008 में। थर्ड है कि यहाँ पे जो थीम है 2019 का, रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसरप्शंस ऑफ बेसिक सर्विसेज, तो इसमें आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। आइए फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फिर अगेन यहाँ पे आपका डेट आ गया, तो अगेन मैं वही बोलूँगी कि ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ही लाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है कि इसको हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, तो 13th of October को हम लोग इसको देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, रिस्क अवेयरनेस के लिए और जो भी डिजास्टर आता है, जो भी आपदा आता है, उसको कम करने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। पहले ये आपका आप देखोगे अभी जो आप लोग क्या हुआ अभी क्या हुआ कि 21 दिसंबर को 2009 में असेंबली के द्वारा एक नया रेजोल्यूशन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, जिसमें कि जो डेट है 13th of October, जिसमें हम लोग इस दिन को याद करते हैं, तो इस चीज़ को जो है ना अभी हम लोग के कंट्री में 2019 में इस दिन को जो है याद किया गया है। तो याद रखिएगा 2019 का जो यहाँ पे आपका थीम है, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट कि यहाँ पे रिड्यूस करना है डिजास्टर डैमेज एंड ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसरप्शन ऑफ बेसिक सर्विसेज, तो थर्ड बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे हमारा सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ 2009 में इस चीज़ को जो है ना यहाँ पे हम लोग प्रपोज किए थे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। 13 में आते हैं, यहाँ पे है फॉरेस्ट प्लस 2.0 के बारे में। पहला है यहाँ पे कि प्लांटेशन ड्राइव है एरे फॉरेस्ट में। सेकंड है कि प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करें नॉर्थ ईस्ट में। थर्ड है कि इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोग्राम है। एंड फोर्थ है कि ट्राइबल कल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि फॉरेस्ट प्लस 2.0 कहता क्या है, इसके अंदर है क्या। तो फॉरेस्ट प्लस 2.0 जो है ये आपका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा, यानी कि सेकंड वर्जन है, जिसमें कि इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। ये 5 ईयर आपका प्रोग्राम है जो कि 2018 में इनिशिएट किया गया था, और मेनली फोकस किया जाएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो हमारा इकोसिस्टम सर्विस है फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट है, उसको और ज़्यादा हम लोग बूस्ट करेंगे और ज़्यादा उसको सही करेंगे। अगर फॉरेस्ट प्लस 2.0 की बात करें तो ये US एजेंसी USAID का है, और फॉरेस्ट इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इनके द्वारा ऑफिशियली ये लॉन्च किया गया था 2019 को। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से ये भी पूछा जा सकता है। तो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इतना आप लोग को थोड़ा बहुत तो चीज़ें याद होनी चाहिए। फॉरेस्ट प्लस 2.0 में आप देखोगे तो पायलट प्रोजेक्ट है, 3 लैंडस्केप में इसको जो है आपका चलाया जाएगा। एक बिहार का, बिहार में आपका सिटी गया है, और सेकंड केरल है जिसमें कि तिरुवनंतपुरम देखने को मिलेगा, एंड थर्ड इज़ आपका तेलंगाना का मेडक है। तो ये तीन स्टेट यहाँ पे चूज़ किया गया है जिसके थ्रू यहाँ पे आपका फॉरेस्ट कवर को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और जो भी आपका यहाँ पे काम है कि कैसे फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट करे, कैसे इकोसिस्टम को बेटर करे, तो ये सारा टारगेट यहाँ पे रखा गया है। आते हैं अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपसे 2 स्टेटमेंट है करेक्ट पूछा जा रहा है। फर्स्ट है कि सारे हेवी मेटल जो फायर क्रैकर है वो इंडिया में बैन हो चुके हैं। सेकेंड है कि पेट्रोलियम और जो एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे हम लोग हेवी मेटल फायर क्रैकर को जो है इसके प्रोडक्शन को बैन कर जो किया जा रहा है उसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया, तो करेक्ट बताना है फर्स्ट ऑनली, सेकेंड ऑनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे करेक्ट का बात करना है। सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि बोला जा रहा है कि सारे हेवी मेटल जो फायर क्रैकर हो उसको इंडिया में बैन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि सिर्फ 5 हेवी मेटल जो है उसको बैन करना है, और कौन कौन सा है, तो यहाँ पे लिथियम है, एंटीमोनी है, मरकरी है आपका, आर्सेनिक है और लीड है, बस यही है, सारे नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड आप लोग देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है कि इन सारे 5 जो हार्मफुल हेवी मटेरियल है उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से डायरेक्ट आपका यहाँ पे निकल कर आता है। साथ ही एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेसो का है, यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर जो स्पेसिफिकली यहाँ पे तमिलनाडु के लिए है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और इस रिस्ट्रिक्शन को वो फॉलो करेंगे। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्रैकर बनता है, ये यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कहा गया था, पीसो को भी कहा गया था कि एक कॉपरेटिव इफेक्ट लेकर आए जिससे कि ये जो एयर पॉल्यूशन होता है फायर क्रैकर से वो यहाँ पे रुक सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है,
तो ये काम किया गया था। लेकिन ये जो आपको मिनिस्ट्री देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनकरेक्ट मिनिस्ट्री दिया गया। मिनिस्ट्री आपको जो है और भी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड भी है। इसको जो हेड किया जाता है वो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव के द्वारा किया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में है। तो दोनों स्टेटमेंट इस तरीके से इनकरेक्ट हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी हो गया। ठीक है, अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बताना है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक्स के बारे में या फिर हरगिला। देखिए कुछ ऐसे स्पेशीज होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बने रहते हैं, तो उससे क्वेश्चन बन जाता है। इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। इसकी लिस्ट अगर देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सेकंड है कि ये आपका कॉलोनी है जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है बिहार में। थर्ड है कि आसाम स्टेट जू के द्वारा जो है यहाँ पे ब्रीडिंग प्रोग्राम लाया जाता है जिसके थ्रू इनकी जो एक्सटिंक्शन है वो उसको स्पीसीज को सेव कर सके, यानी कि ख़त्म ना हो जाए ये स्पीसीज, इस पर काम करना है। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि नहीं। तो देखिए जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो इसीलिए ये बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आप लोग ज़्यादा सुने नहीं हो। हरगिला कहीं कहीं सुने होंगे, न्यूज़पेपर में होगा, तो इसके इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो यानी कि गलत ही पता करना है, तो आपका ये है। ठीक है, उसके आगे आप लोग बढ़ोगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वन ऑफ द कॉलोनी जो है वो भागलपुर में है। असम स्टेट जू की बात करें तो असम स्टेट जू और जो यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन है अरंक्यास है, वो यहाँ पे जॉइंटली इस तरीके का काम करते हैं कि जो पेयर ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट चिक्स है आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म में, वो भी जू इनक्लोजर में। तो पहली बार ऐसा यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे आपका जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है ना कि इनके जो इंस्टिंक्शन होने से, यानी कि ये जो स्पेसिस पूरी तरीके से ख़त्म होने वाले हैं, तो उनको यहाँ पे रोका जाएगा। ठीक है, साथ ही ये बिल्कुल सही है, इसका कॉलोनी जो है आपके भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में ही देखने को मिलेगा, तो ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में। रिसेंटली सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है न्यूज़ में था, तो ये है क्या, ये आपको बताना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कि फर्टिलाइजर से निकलता है, कार्बन प्रोड्यूस जो कि स्टबल बर्निंग से निकलता है, या फिर अमाउंट ऑफ कार्बन जो कि हमारे मिट्टी में प्रेजेंट है, या फिर कार्बन जो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ये निकलता है। तो ये सॉइल आपका ऑर्गेनिक कार्बन है क्या, तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन से ही आप समझ सकते हो कि वैसा कार्बन का अमाउंट जो कि आपके सॉइल में स्टोर्ड है। सिंपल है, बिल्कुल भी एकदम इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आपके टॉपिक में ही ये नाम दे दिया गया है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 17। द यूज़ ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, तो इसको हम लोग कहते क्या है, माइक्रोमेडिएशन, बायो माइनिंग, बायो रेमेडिएशन, बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके जब हम लोग इन्वायरमेंट को साफ करना चाहते हैं, पॉल्यूटेंट को कम करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बायो रेमेडिएशन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पॉल्यूटेंट को यहाँ पे जो है डिग्रेड किया जाता है, तो इसको हम लोग बायो रेमेडिएशन कहते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं यहाँ पे आपको मैच करना है प्रोड्यूसर सेप्रोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर ऑटोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स हर्बीवोरस, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स। तो कौन कौन सा करेक्ट यहाँ पे आपका मैच करना है फर्स्ट से सेकेंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, एक बार ऑप्शन देख लीजिए जिससे कि बेटर तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको देख लिए आप लोग। अब आइए देखते हैं, देखिए बात बताती हूँ मैं। प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूसर जैसे प्लांट है वो प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर कहने का मतलब है कि वो ऑटोट्रॉप्स है, यानी कि ऐसे वो स्पीशीज जो कि अपना भोजन वो खुद बना सके। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, नो डाउट। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, अब जैसे भोजन यहाँ पे बनाने का काम प्लांट का कंप्लीट हो गया, तो प्लांट को जो पहली बार खाएंगे उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, यानी कि जो हर्बीवोर्स होंगे, यानी कि जो वेजिटेरियन होंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, तो हर्बीवोर्स है सेकंड का, यहाँ पे थर्ड हो गया। डिकम्पोजर कौन होंगे, डिकम्पोजर अच्छा सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर के पास सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आपका जो है यहाँ पे कार्निवोर्स हो जाते हैं, जैसे कि जो वेज भी खाते हैं नॉन वेज भी खाते हैं, तो उनको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। एंड डिकम्पोजर में क्या हो जाएगा, तो सेप्रोट्रॉप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो ए का 2, बी का 3, तो इस तरीके से था, सी का 1, डी का 4, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में आते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिट्रस फूड चेन, तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि दोनों फूड चेन जो है वो एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है। सेकंड है कि जो डिस्टिंक्शन अगर हम लोग दोनों में करें, यानी कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है और डिट्रस फूड चेन है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर है दोनों का। तो अब आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है। ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्रस फूड चेन, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ग्रेजिंग फूड चेन है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि फूड चेन में
कौन किसको कंज्यूम करना स्टार्ट करता है, फूड चेन क्या होता है। जैसे कि आप लोग देखो कि ग्रास है तो उसको ग्रास ओफर खाता है, ग्रास ओफर को आप लोग देखोगे कि कोई बर्ड्स खा गया, बर्ड्स को फिर आप लोग देखोगे कि और कोई उससे ऊपर वाले इंसान खा लेते हैं, इंसान नहीं वो जानवर ही खा लेते हैं। तो इस तरीके का आपका एक फूड चेन चलता है, बहुत अच्छा। तो ग्रेज वाला भी फूड चेन चलता है, यानी कि एक दूसरे को ग्रेजिंग करना। ये जो फूड आपका स्टार्ट होता है ये ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हुआ बेस लेवल पर, उसके बाद हर्बी वॉर्स है, फिर कार्नी वॉर्स है, इस तरीके से चलते चला गया। डेट्रस फूड चेन क्या होता है कि जैसे कुछ भी आपका प्लांट और एनिमल जो है वो उनका डेड हो गया, डेड होने के बाद भी वो डिकम्पोज होते हैं, तो उसमें भी एक फूड चेन है कि कौन किसको खाया कौन किसको खाया, इस तरीके से आपका चलते जाता है, तो उसको हम लोग डेट्रीवॉर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा देखिए कि दोनों अलग ही एक सिस्टम है, एक है कि जो कि आपका नया नया भोजन बना है उसको प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर में हम लोग देखते हैं, दूसरा डेट्रिटस में क्या हो गया कि जो मर गया है चाहे वो डेड आपका स्पीसीज डेड प्लांट हो डेड एनिमल हो उसको कौन खाता है उसका हम लोग फूड चेन देखते हैं। तो दोनों अलग है, दोनों इंटरडिपेंडेंट तो है नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। दोनों के बीच में बोला जा रहा है कि सोर्स ऑफ एनर्जी सेम है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपका यहाँ पे सेम लेवल कंज्यूमर है, तो बिल्कुल सही है। एनर्जी यहाँ पे जो आप देखोगे सोर्स ऑफ एनर्जी दोनों में बिल्कुल सही है, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 20 में आते हैं, इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है, सेकेंड है कि ट्री को हम लोग यहाँ पे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बोल सकते हैं, एंड थर्ड है कि ये कम्युनिटी है जहाँ पे लोग रहते हैं और फिजिकल इन्वायरमेंट होता है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है, इकोसिस्टम बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट है, सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है बायोस्फीयर का, ट्री को हम लोग इकोसिस्टम ज़रूर कहते हैं और एक ऐसा कम्युनिटी जिसमें कि लोग रहते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट भी होता है, ठीक है। आते हैं 21st में, यहाँ पे आपको बताना है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम से, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है वो मास पर यूनिट टाइम में किया जाता है। तो ये आपको बताना है, थोड़ी सी ट्रिकी है। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी देखें, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे आपके ट्रीज़ भी बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे पौधे भी हैं, फल फ्रूट सब वहाँ पे आ रहे, तो प्रोडक्टिविटी है, जिस तरीके से वो बढ़ता जा रहा है प्रोडक्शन उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन अगर इसका आप लोग देखोगे कि इसका टर्म क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो ये मास पर यूनिट सरफेस पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए बी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ओनली। आते हैं 22nd में, ये है आपका केन टर्टल के बारे में, अगेन कुछ स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है जो भी यहाँ पे न्यूज़ में रहते हैं। तो फर्स्ट है कि ये एक टॉर्टोइस का टाइप है, सेकंड है कि कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा के बीचेस में, थर्ड है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि कुछ पंजेट लिक्विड देते हैं, यानी कि जब इनके ऊपर कुछ खतरा आता है तो जैसे सांप नहीं देखते वो टस लेते हैं, उसी तरीके से ये भी एक पंजेट लिक्विड देते हैं। तो इसमें करेक्ट पूछा जा रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड ओनली, नन ऑफ द अबव। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। केन टर्टल जो है ये टॉर्टोइज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट से ही आपको पता होना चाहिए कि टॉर्टोइज ऐसा कुछ भी पंजेट लिक्विड आपका वो स्प्रे करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक गलत है। सेकंड कहाँ है, तो ये उड़ीसा में नहीं पाया जाता, ये तमिलनाडु वाले एरिया में पाया जाता है। थर्ड, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप देखोगे तो ये डेफिकेट है, ठीक है। ओके, तो इनका फर्स्ट लाइन ऑफ यहाँ पे डिफेंस क्या है, तो ये डेफिकेट है, यानी कि ये जो है ना मीन्स क्या बोलूँ, ये मतलब कि ये पॉटी करके उसी के अंदर छुप जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, केन टर्टल के बारे में, यानी कि तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। लेकिन थोड़ा बहुत केन टर्टल के बारे में समझने का कोशिश कीजिए, कहा जा रहा है कि टर्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेयर टर्टल है जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, साथ ही इसका शेप आप देखोगे तो इसके लेग का और फीट का ना बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो इसलिए ये एक रेयरेस्ट है। तमिलनाडु वाले एरिया में देखने को मिलेगा, अन्नमलाई के फॉरेस्ट में है, एवर ग्रीन फॉरेस्ट में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 23rd में, सुमात्रन राइनोस के बारे में करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि लार्जेस्ट राइनोसेरस है, सेकंड है कि ओनली इन एशियान राइनो है जो कि इसमें वन हॉर्न होता है, थर्ड है कि ये करेंटली जो है बॉर्नियो और सुमात्रा आइलैंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ओनली, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग देखें कि राइनोज जो है ना वो यहाँ पे सुमात्रा राइनो अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे लार्जेस्ट है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये आपका हट गया। दे आर ओनली एशियन राइनो जो जिसमें कि वन हॉर्न होता है, तो आप लोग को पता ही कि वन हॉर्न राइनो जो है सिर्फ एशियन राइनोज में ही नहीं, एशियन राइनोज में दो हॉर्न होता है, ठीक है। तो ये ओनली आपका एशियन राइनोज है जिसमें कि दो हॉर्न होता है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप थर्ड स्टेटमेंट है जिसमें कि आप लोग अटक सकते हो। तो ये सिर्फ बोर्नियो और सुमात्रा आइलैंड में सिर्फ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ ये स्मॉलेस्ट राइनोसेरस होता है और सिर्फ ओनली ये एशियन राइनो है जिसमें कि दो हॉर्न है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बोर्नियो और सुमात्रा आइलैंड में पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, सो थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 24 में मालाबार ट्री टोड के बारे में। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, और थर्ड है कि ये जो है स्प्रिंग सीजन के टाइम में दिखता है। तो अब फिर इसमें आपको करेक्ट बताना है, तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट की क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अगर मैं बोली क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो बिल्कुल नहीं, ये इंडेंजर्ड है और सिर्फ ये आपको मानसून में देखने को मिलेगा, ये वाली मीन्स मालाबार ट्री टोड। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मालाबार ट्री टोड है, ठीक है, IUCN के रेड लिस्ट में इसको जो है इंडेंजर्ड रखा गया है। ये फ्रॉग स्पीसीज है जो कि आपको इंडिया के ही देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको ये भी ये ध्यान रखना है, तो फ्रॉग का ये स्पीसीज है, इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही अब आते हैं नेक्स्ट 25 बायोडाइवर्सिटी के बारे में। फर्स्ट है कि जो ईस्टर्न घाट है ये वन ऑफ द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का। सेकेंड है कि जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है इसमें आपका सबसे ज़्यादा बायो डाइवर्सिटी होता है अगर हम लोग कोरल रीफ के कंपैरिजन में देखें। थर्ड है कि अगर हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो लैटिट्यूडनल जो डाइवर्सिटी ग्रेडियंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो 25 में आपको करेक्ट बताना है। आइए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, पहले फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड ऑनली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, ईस्टर्न घाट नहीं है हमारा, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट की बात की जा रही है, और आपको पता है कि कोरल रीफ सबसे ज़्यादा जो है उसमें हायर बायोडाइवर्सिटी होता है अगर हम लोग टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में बात करें एटलीस्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ पढ़ेंगे तो हमारा जो लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट है वो यहाँ पे कम होते जाएगा। आपको इक्वेटर वाले एरिया में या फिर ट्रॉपिकल वाले एरिया में बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन होता है, फेवरेबल टेम्परेचर होता है, सारी रिक्वायरमेंट जो होती है डाइवर्सिटी के लिए वो पूरा फुलफिल होता है इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन में। लेकिन जैसे ही आप पोल की तरफ बढ़ोगे तो ये चीज़ डिक्रीज होने लगता है। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारा कहाँ है इंडिया में। तो सबसे पहला हिमालय है, पूरा इंटायर आपको इंडियन हिमालय रीजन देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं समटाइम्स ये भी पूछा जाता है। तो इंडिया के साथ साथ आपको नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, तिब्बत और म्यांमार वाला इतना कंट्री जो है वो इंडियन हिमालय को पूरी तरीके से कवर करता है। सेकंड है इंडो बुर्मा वाला रीजन, यानी कि इंटायर नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है हमारा, इससे आपका म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लायोस, कंबोडिया, सदर्न चाइना सब आ जाता है। फिर है थर्ड यहाँ पे सुंदरलैंड, सुंदरलैंड में आपको निकोबार ग्रुप भी देखने को मिलेगा। इसमें आपका कुछ और आइलैंड आएगा जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस की भी आपको आइलैंड देखने को मिलेगा। एंड फोर्थ वन इज़ वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट जिसमें आपका पूरा वेस्टर्न घाट है और श्रीलंका का भी पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब आते हैं 26 में, ये है हाइड्रोजन इनरिच CNG के बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट है कि जो आइडल हाइड्रोजन कंसनट्रेशन है फ्यूल में वो 80% होता है। सेकेंड है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो फुल्ली कंपैटिबल नहीं है जिससे कि हम लोग इस फ्यूल को यूज़ कर सकें। तो करेक्ट बताना है, फर्स्ट ऑनली, सेकंड ऑनली, बोथ या फिर नीदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो ये इनकरेक्ट है, 80% तो नहीं हो सकता, ये मात्र 18% है। और सेकंड सही है कि एग्जिस्टिंग जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है ये फुल्ली कंपैटिबल नहीं है कि इस तरीके के फ्यूल को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हाइड्रोजन इनरिच्ड फ्यूल है जिसमें कि हाइड्रोजन भी ब्लेंड है CNG के साथ, और एक आइडल हाइड्रोजन कंसनट्रेशन है जिसमें कि 18% है अगर इसको कन्वेंशनल CNG के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें। तो हाइड्रोजन जो CNG है इसके यूज़ से क्या होता है कि थोड़ा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जो यहाँ पे इमिशन है वो कम होता है, साथ ही सेव होता है, फ्यूल्स भी कम यहाँ पे खर्चे होते हैं। तो ये सारा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो गया। तो चलिए अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर है तो ये हमेशा अपराइट होता है, अपराइट कहने का मतलब है कि इस तरीके से। पिरामिड ऑफ बायोमास है तो ये अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, ये इन्वर्टेड उल्टा, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ऑनली, सेकंड ऑनली, बोथ, सेकंड एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए पिरामिड होता है हर किसी का, बायोमास, एनर्जी, नंबर्स, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि किसका कैसा यहाँ पे पिरामिड होता है। तो हम लोग इसको जो शंकर IAS की अकेडमी की बुक हम लोग पढ़े थे इन्वायरमेंट की, उसमें हम लोग कवर किए।
पेयर वन की बात करें तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, ऑलवेज अपराइट नहीं होता है आपको यहाँ पे। अगर नंबर का देखने को मिलेगा पिरामिड, तो ये ऐसे भी होता है, आपका राइट भी होता है और अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बायोमास की अगर देखें, पिरामिड ऑफ बायोमास, जो कि यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और ट्रॉपिकल लेवल में अलग अलग तरीके से उनके वेट के अकॉर्डिंग, तो इस चीज़ को यहाँ पे शो करता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास आप देखोगे तो ये भी अपराइट और इन्वर्टेड होता है। तो सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो दो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, सेकंड तो हमारा ऐसे भी करेक्ट है, ये समझ में आ ही गया था। थर्ड अगर हम लोग देखें पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो ये हमेशा आपका ऑलवेज अपराइट होता है, तो ये बिल्कुल थर्ड है, थर्ड बिल्कुल सही है। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। आते ही 28 में गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि जो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, ये ओनली सेंचुरी है हमारे इंडिया में डॉल्फिन के लिए। सेकंड है कि ये इनकी आईसाइट बहुत ख़राब होती है और डिपेंड होते हैं इकोलेशन में, मींस अपने जो शिकार को वो पकड़ने के लिए इको का ये इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है कि ये भूटान, नेपाल और बांग्लादेश वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है, गैंगेटिक डॉल्फिन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इनका एक नाम है सूसू, सूसू भी बुलाते हैं। और चलिए तीनों में से पहले देख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट नो डाउट करेक्ट है। सबसे पहले ये विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी देखने को मिलेगा, जो कि बिहार में है, और ये एकमात्र आपको सेंचुरी देखने को मिलेगा। सेकंड है कि इनकी आईसाइट बहुत ख़राब होती है, इनको अंधा भी कहा जाता है, सूसू इनका नाम है, और ये इकोलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है अपने जो इनका शिकार होता है वो उसको पकड़ते हैं। इंडिया के साथ साथ ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वाले रीजन में भी देखने को मिलेगा। रिवर कौन कौन से हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णपुली, हुगली रिवर सिस्टम में ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट अगर देखें, हाँ ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे डी हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग IUCN में देखें तो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, ठीक है, नेशनल एक्वेटिक है हमारे इंडिया का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के बारे में, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि मैन एंड एनिमल बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर जो यहाँ पे आपका रिजर्व्स हैं, ये इनोवेटिव अप्रोच को प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड है कि जो इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, यहाँ पे डिसाइड होता है कि न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए, जिसको कि हम लोग वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ऑनली, सेकेंड ऑनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आप देखोगे तो यहाँ पे इनोवेटिव अप्रोच को यहाँ पे आपका प्रमोट किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन सेकेंड इनकरेक्ट है। आइए देख लेते हैं, सेकेंड इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ये डिसाइड करते हैं कि न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। तो यहाँ पे आपका बस एडवाइजरी लिख दिया गया, डैट्स वाई ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो देखिए कितना ध्यान से आपको यहाँ पे देखने का ज़रूरत है, आपको स्टडी करने का ज़रूरत है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बस इस स्टेटमेंट के कारण आपका ये खत्म हो गया। मैप के बारे में बात करें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के, तो 1971 में इसको लॉन्च किया गया था, यूनेस्को का है ये। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, जो कि इसका एम है कि साइंटिफिक बेसिस पे इंप्रूवमेंट करना है, जो रिलेशन है लोग और इन्वायरमेंट के बीच में उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में, कौन सा यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा जो कि करेक्ट है, बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव को लेकर एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए। तो पहला है नाक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो कि एक स्टैंडर्ड है एम्बिएंट एयर क्वालिटी का। यहाँ पे बहुत सारे आइडेंटिफाइड पॉल्यूटेंट है, जो कि CBCP यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो नोटिफाई किया गया है, उसमें से बहुत सारे स्टैंडर्ड है जो कि यहाँ पर शो किया जाता है कि कैसा यहाँ पर एयर क्वालिटी है। सेकेंड है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लाया गया, एक तरीके का रूल है जिसमें कि एयर क्वालिटी स्टेटस देखा जाता है। थर्ड है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है दिल्ली और NCR रीजन के लिए, जिसमें कि आपका ग्रेडेड मेजर्स देखा जाता है हर एक सोर्स के लिए, जो भी यहाँ पे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के कैटेगरी में बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कौन कौन से यहाँ पे करेक्ट है आपको ये बताना है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तीनों के बारे में देख लीजिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि एयर क्वालिटी के स्टेटस को बताता है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे नाक्स है जो कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पे जो CPCB के द्वारा जो सेट किया गया है उसके थ्रू यहाँ पे देखा जाता है, और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है ये दिल्ली और NCR रीजन के लिए है। तो तीनों के बारे में आपको अलग से पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कमिंग टू द नेक्स्ट,
31st क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको साइट्स के बारे में इनकरेक्ट बताना है। तो हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इनसाइट आईएएस की जो मॉर्निंग में हमारी क्विज सेशन चलती है उसमें हम लोग साइट्स के बारे में बहुत सारे क्विज को सॉल्व किए हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में। सेकेंड है कि इसका एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड को इंश्योर करना वाइल्ड एनिमल और प्लांट में जिसकी कि सर्वाइवल थ्रेटेंड नहीं है। थर्ड है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है अपने पार्टीज़ के ऊपर। फोर्थ है कि जो भी स्पेसिस यहाँ पे साइट के द्वारा कवर किया जाता है उसको थ्री अपेंडिक्स में रखा जाता है। तो आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि साइट्स जो है आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसिस ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में। इसका एम यही है कि यहाँ पे आप लोग देखते हो उसके नाम में ही लिखा है कि यहाँ पे आपका कन्वेंशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को देखा जाता है इंडेंजर्ड स्पीसीज जो वाइल्ड फौना और फ्लावर के होते हैं उनको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए। साथ ही ये लीगली आपका बाइंडिंग है, ऐसा नहीं है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि साइट्स आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे ये आपका ट्रीटी है जिसके थ्रू यहाँ पे आपका कंफर्म किया जाता है कि जो भी स्पीसीज है उनको जो जिसकी थ्रेटेंड यानी कि जो कि जिसके पॉपुलेशन कम हो रहे हैं जिनकी सर्वाइवल थ्रेटेंड है तो उसको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो इसलिए ये सारे कंट्रीज़ को मानना पड़ेगा, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको मानना पड़ेगा, इसलिए ये लीगली बाइंडिंग है। तो यहाँ पर थर्ड इनकरेक्ट हो गया, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर कार्टोविस क्लाइमेट पैकेज के बारे में, तो कार्टोविस आपका तो इसके बारे में बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है कि जो यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट वर्क प्रोग्राम है इसको 23rd सेशन ऑफ जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क CCC के तहत जो यहाँ पे आपका सेशन हुआ था उसके तहत इसको अडॉप्ट किया गया है। सेकेंड है कि जो पार्टीज़ है वो अगर यहाँ पे एग्रीड हो रही है इनिशिएट करने के लिए और न्यू कलेक्टिव फाइनेंस गोल के लिए पोस्ट 2020, तो यानी कि ये जो आपका यहाँ पे मीटिंग हुआ है इसमें बात किया गया है कि आपका एक तो COP 23 यहाँ पे बताया जा रहा है। सेकेंड है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो न्यू कलेक्टिव फाइनेंस गोल लेने के लिए यानी कि अब जो आप 2020 के पोस्ट 2020 देखोगे तो इसमें न्यू कलेक्टिव के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो कार्टोविस के बारे में बात करें तो ये 23rd सेशन नहीं था, ये आपका 24th सेशन था। तो सबसे पहले तो यही गलत हो गया आपका, 2018 में कार्टोविस में हुआ था, पोलैंड के कार्टोविस में, ठीक है। सेकेंड इसका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे यही बातें की गई थी कि पोस्ट 2020 के बाद कुछ न्यू कलेक्टिव फाइनेंस गोल यहाँ पे लेकर आना है, इसी को इनिशिएट किया गया था। तो सेकेंड इज़ करेक्ट, सो द बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 33 में आते हैं, इंडिया का क्लाइमेट एक्शन के बारे में है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मतलब है कि फोकस करना है कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कैसे डील करने के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। सेकेंड है कि नेशनल एडेप्टेशन फंड है क्लाइमेट चेंज में जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके आप देखोगे कि जो कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन है क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के लिए वो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, तो उसको यहाँ पे मीट करना है। साथ ही पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो है यानी कि जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से होने वाले एडवर्स इफेक्ट हुए उनको यहाँ पे देखा जाएगा, तो उनको यहाँ पे इस फंड के थ्रू जो है रिलीफ पहुँचाया जाएगा। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ऑनली, सेकेंड ऑनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये ऑब्वियस है कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो चेंजेस है उसको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे डील किया जाएगा। सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपका नेशनल एडेप्टेशन फंड है यानी कि जो ऐसे समूह है, जो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पोजिशन में आ चुके हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो उनको यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। कमिंग टू द 34th, ग्लोबल सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिससे कि कुछ पॉलिसीज, टेक्निकल फाइनेंशियल इश्यूज को टैकल किया जाएगा, तो ये किसका जॉइंट इनिशिएटिव है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड फ्रांस, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक एंड USA, तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, वर्ल्ड बैंक एंड फ्रांस, ठीक है। ग्लोबल सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसमें कि यहाँ पे फिनेंशियल इश्यूज़ जितने भी निकल कर आएंगे या टेक्निकल इश्यूज़ या फिर पॉलिसी इश्यूज़, तो उसको यहाँ पे टैकल किया जाएगा। इसी से रिलेटेड आप लोग ISA के बारे में ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी एकमात्र आपको हेडक्वार्टर इंडिया में देखने को मिलेगा। इसमें 5 प्रोग्राम रखा गया है। सबसे पहला क्या है कि सोलर एप्लीकेशंस फॉर एग्रीकल्चर यूज़, यानी कि सोलर एनर्जी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। अफोर्डेबल फाइनेंस होना चाहिए और सोलर मिनी ग्रिड स्केलिंग, सोलर रूफ टॉप यानी कि जो छतों पर आपका जो सोलर पैनल लगाने के लिए इनकरेज किया जाएगा, और ई मोबिलिटी और स्टोरेज पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इस पे आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, ISA से भी क्वेश्चंस बन सकता है। अब आते हैं 35 क्वेश्चन नंबर में, किस एक्ट के थ्रू जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आपका इम्पावर किया गया है, इन्वायरमेंट एक्ट 1986 या फिर वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 या फिर नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए।
गंगा यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट लाया गया है, ये आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत लाया गया, तो ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर पे। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है अर्थ समिट से रिलेटेड। तो फर्स्ट है कि इसको हम लोग रियो समिट भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि ये समिट आपका जो है यूनाइटेड नेशन के अंडर में हुआ है। थर्ड है कि फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है वो यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पे एक साथ जो है कंसोलिडेट किया गया है। या फिर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो अर्थ समिट बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट माना जाता है जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस किया गया था और हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव लिए गए थे जिसके ऊपर हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इसी को हम लोग रियो समिट भी कहते हैं और यूनाइटेड नेशन के तहत हुआ था ये समिट जो है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के तहत हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम है जब ग्लोबल इन्वायरमेंट पे के इश्यूज़ पे यहाँ पे फोकस किया गया था। इसको 170 स्टेट, 1000 ऑफ एनजीओ और बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा इस समिट को जो है आपका अटेंड किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है, ये ध्यान रखिएगा। इसको रियो डिक्लेरेशन से भी हम लोग समझते हैं। इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स निकल कर आया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपका रियो डिक्लेरेशन है वो भी डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के ऊपर, कि एक साइड हम लोग इन्वायरमेंट की बात करते हैं दूसरी साइड हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो कैसा डेवलपमेंट हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे एजेंडा 21 आपको देखने को मिलेगा जो कि इसी के तहत है। थर्ड फॉरेस्ट प्रिंसिपल है जिसको हम लोग नॉन लीगली बाइंडिंग अथॉरिटी और अथॉरिटेटिव भी कहते हैं। तो ये तीन आप लोग को याद रखना है, रियो डी जेनेरियो से ही निकल कर आया है। नेक्स्ट आते हैं 37 क्वेश्चन नंबर में। ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, म्यूटेशन म्यूटलिज्म तो वन बेनिफिट होता है स्पीसीज, दूसरा हार्म्ड होता है, कमेंसलिज्म जिसमें दोनों स्पीसीज बेनिफिट होते हैं, प्रीडेशन जिसमें वन स्पीसीज बेनिफिट होता है और अदर अनअफेक्टेड होता है, एमेंसलिज्म जिसमें कि वन स्पीसीज हार्म्ड होता है और अदर जो है अनअफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट जो है इसको ज़रूर कीजिए। तो ए देखिए म्यूचुअलिज्म है, यानी कि दोनों जगह जो दो स्पीसीज है उनके बीच में जो है ना आपको दोनों म्यूचुअल देखने को मिलेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि म्यूचुअल हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दो लोग के बीच में अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि दोनों को या तो यहाँ तो यहाँ पे आपको दोनों को जो है ना बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो ए का टू हो गया, ए का टू है यानी कि एक ऑप्शन तो हमारा खत्म। कमेंसलिज्म मतलब होता है कि एक स्पीसीज बेनिफिट है दूसरा यहाँ पे अनअफेक्टेड है। देखिए ये सारे टर्म्स को आपको याद करना होगा क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है आपका, तो इसमें आपको याद करना ही होगा। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीसीज बेनिफिट हो गया दूसरा आपका अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे हो गया आपका बी का थ्री एक और यहाँ पे स्टेटमेंट गया। अमेंसलिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज हार्म्ड हो जाता है और दूसरा स्पीसीज अनअफेक्टेड होता है, तो इसमें आपका क्या हो गया डी का फोर यस ए विल बी द करेक्ट। और प्रीडेशन में आपका क्या होता है कि यहाँ पे वन स्पीसीज आपका बेनिफिट होता है और अदर हार्म्ड होता है। तो ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके लिए आपको पूरा समझना होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर में भी आप लोग देख सकते हो म्यूचुअलिज्म में क्या है, जैसे कि आप पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म देखते हो तो यहाँ पे पॉलिनेशन के टाइम में क्या होता है कि जो पॉलिनेटर एजेंट होते हैं जैसे कि आपके बीज हो गए या फिर एंट हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो उनको भी फ़ायदा होता है कि उनको भी जो है फ्लावर्स वगैरह या फिर उनको भी अपना फूड मिल जाता है और वो जो है एक पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं फ्लावर्स को। तो एक जगह से दूसरी जगह जो है चीज़ों को वो डिस्प्लेस करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये आपका म्यूचुअलिज्म में हो गया। वहीं अगर हम लोग कम्युनलिस्ट में भी बात करें जिसमें कि एक स्पीसीज बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं होता, तो ये आप देखोगे कि इसमें सबसे बड़ा जो है काउडंग। काउडंग से क्या होता है कि आपका फूड और शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है जितने भी डंक बीटल्स होते हैं। तो ये जो बीटल्स होते हैं इनका काऊ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो काऊ से यहाँ पे काउडंग निकला और वो किसको यहाँ पे बेनिफिट पहुँचा रहा है, तो डंक बीटल्स को यहाँ पे बेनिफिट पहुँचा रहा है, ठीक है। वहीं आप देखोगे कि कॉम्पिटिशन भी होता है, कॉम्पिटिशन में क्या है कि दोनों स्पीसीज जो है वो हार्म्ड हो जाते हैं, तो ऐसा भी देखने को मिला है कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे भी है। प्रीडेशन या फिर आपका पैरासिटिज्म, तो प्रीडेशन यहाँ पे और पैरासिटीज में आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि एक स्पीसीज बेनिफिट होता है और दूसरा जो है हार्म्ड हो जाता है। तो इसमें क्या है कि वन फिश जो है अगर एक फिश को हम लोग मारते हैं और खा लेते हैं तो वो पैरासिटिज्म हो जाता है। कैसे, तो फिश जो है उसकी जान चली गई तो वो हार्म्ड हो गया और हमारा पेट भर गया, यानी कि बेनिफिट हो गया, है कि नहीं। वहीं वैसे ही आपको एमेंसलिस में देखने को मिलेगा, वन स्पीसीज हार्म्ड है तो दूसरा अनअफेक्टेड है। देखिए एक लार्ज ट्री जो होता है ना वो एक स्मॉल प्लांट को शेड देता है, ठीक है। तो एक स्पीसीज हार्म्ड हो गया दूसरा अनअफेक्टेड हो गया, स्मॉल प्लांट को जो है ना यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा लार्ज ट्री से, लेकिन आप देखिए कि बड़ा सा ट्री है तो वो यहाँ पे इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है उसका और वो यहाँ पे जो है छोटे छोटे प्लांट को
यहाँ पे शेडो प्रोवाइड कर रहा है, तो बड़े ट्रीज़ को वो हार्म हो रहा है, छोटे को कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्म कैसे हो रहा है, क्योंकि बड़ा सा ट्री है जो कि शेडो प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे छोटे ट्री का ग्रोथ यहाँ पे रुक रहा है, तो यहाँ पे छोटे ट्री का जो है यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है और बड़े ट्री को कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है ना ये समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये हमारा एक इन्वायरमेंट का। और अब आते हैं 38 क्वेश्चन नंबर पे, यहाँ पे आपका बायो जियो केमिकल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। फर्स्ट है कि बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो है इसको क्लासिफाइड किया गया है गैसेस और सेडिमेंट्री साइकिल में। सेकेंड है कि जो सेडिमेंट्री साइकिल है ये परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है वो एज रिप्लेनिश होता है एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज, जैसे ही उसको यूटिलाइज करते हैं वो वैसे ही जो है रिप्लेनिश होता है, तो सेडिमेंट्री साइकिल जो है परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल होता है। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे करेक्ट की बात करें तो बायो जियो केमिकल साइकिल सीरियसली यहाँ पे गैसेस और सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकेंड यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल की बात कर रहे हैं तो सेडिमेंट्री साइकिल जो है इम्परफेक्ट होता है, सेडिमेंट्री साइकिल अच्छा नहीं होता है न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए। तो न्यूट्रिएंट साइकिल का एक अलग से कंसेप्ट है, अब वो मैं बताने लगूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप लोग, मैं इसके आंसर शीट दूंगी ना, तो उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। 39 क्वेश्चन नंबर है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को यहाँ पे ज़रूरत है कि फिक्स्ड एज मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते एलिमेंटल फॉर्म में। तो इसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज है या फिर थंडर और लाइटनिंग है। तो इनमें से कौन से है जो कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड ऑनली या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अगर हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्स हो जाए, वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि नाइट्रोजन बाहर निकलता है तो नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है जो कि ग्रीन हाउस गैस है और जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। तो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है वो तीन तरीके से होता है, एक तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से होता है जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, दूसरा फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू, और थर्ड यहाँ पे थंडर और लाइटनिंग के थ्रू यहाँ पे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये तीनों प्रोसेस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सो तीनों यहाँ पे सही है, सो डी विल बी द राइट आंसर। कमिंग टू द 40 क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आपका यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें सारे ऑर्गेनिज्म स्पीसीज और पॉपुलेशन आते हैं, सेकेंड है कि यहाँ पे इंटर रिलेटेडनेस यहाँ पे आपका रेफर किया जाता है जीन स्पीसीज और इकोसिस्टम के बीच में, तो साथ ही यहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी देखा जाता है। थर्ड है कि यहाँ पे वेरिएबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें सारे सोर्सेज से, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली कि कोई भी स्टेटमेंट में ऐसा फॉल्ट नहीं दिखा, बायोडाइवर्सिटी यानी कि एक रिच बायोडाइवर्सिटी जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स भी है, स्पीसीज भी है, लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस भी है, इनके बीच में इंटर रिलेशन है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड करते हैं, साथ ही वेरिएबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आते 41 में, यहाँ पे रामसर वेटलैंड है और आपको यहाँ पे लोकेशन है, तो आपको करेक्ट मैच करना है कि कौन सा करेक्ट है, हरिके लैंड, हरिके लेक और रेणुका वेटलैंड या फिर रुद्र सागर लेक। तो ये तीनों को आप लोगों को यहाँ पे सही से ये मैच करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे मैच करते हैं। हरिके लेक कहाँ है, तो हरिके लेक आपका पंजाब में है, इट मीन्स कि फर्स्ट का थर्ड यानी कि दो ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे रेणुका लेक वेटलैंड की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है, बी का सेकंड, तो आंसर हमारा निकल गया। रुद्र सागर कहाँ है, तो ये त्रिपुरा में है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अब आते हैं 42 में, वेटलैंड क्या होता है। देखिए, वेटलैंड ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा, ये वहाँ पे स्पीसीज भी होंगे, वहाँ पे आपको फ्लोरा फ्लोना भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे अच्छा एक आपका रिच बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगा, पानी रहता है, आपको वहाँ पे परमानेंट वाटर भी देखने को मिलेगा या फिर आपका टेम्प्रेरी वाटर भी देखने को मिलेगा, इसी को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि हमारे इको सिस्टम में और इन्वायरमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए रामसर वेटलैंड एक कन्वेंशन लाया गया, इंटरनेशनल कन्वेंशन है। रामसर एक ईरान की सिटी है जहाँ पे 1971 में इस कन्वेंशन में साइन किया गया था, और इसमें जितने भी कंट्रीज़ में वेटलैंड है, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ में है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इस तरीके का कन्वेंशन लाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा, साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन नंबर में। 42 है यहाँ पे कि जो क्रॉप रेसिड्यू को बर्न किया जाता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि क्रॉप रेसिड्यू जो बर्न किया जाता है इससे ग्लोबल वार्मिंग गैसेस निकलते हैं, पर्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। सेकेंड है कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में। थर्ड है कि क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग जो है ये आपका रेगुलेट किया जाता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए,
फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल सही है कि क्रॉप रेसिड्यू से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग गैसेस निकलते हैं, पर्टिकुलेट मैटर भी निकलते हैं। लेकिन सेकंड यहाँ पे गलत है क्योंकि क्रॉप रेसिड्यू को जलाने से क्या होता है कि फर्टिलिटी जो है ना सॉइल की वो कम हो जाती है। थर्ड यहाँ पे अगेन करेक्ट है कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के थ्रू जो है इस तरीके का काम यहाँ पे आपका एफर्ट्स लाया गया है कि कैसे इसको कम किया जाए। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ओके। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट तो ये यहाँ पे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को ये डिक्रीज़ करता है, मुझे जहाँ तक कि पता है कि सेकंड तो यहाँ पे इनकरेक्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन में प्रॉब्लम है या फिर सेकंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होना चाहिए। अब सेकंड जैसे ही आप रिमूव करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जो कि सिर्फ थर्ड सही बता रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर भी तो आपका यहाँ पे रिलीज़ होता ही है, ग्लोबल वार्मिंग भी रिलीज़ होता है नो डाउट, बट यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन नहीं है। सो व्हाट कैन आई से। अच्छा आप लोग इसका बताइए क्या आंसर होना चाहिए 42 का, क्योंकि देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट के आप क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हो कि उनके कहीं भी मिसप्रिंट है। मे बी मिसप्रिंट हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिसप्रिंट हो जाते हैं और ये कॉमन मिस्टेक है, ऐसा गलत इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ ये मुझे लगता है वन एंड थर्ड होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। आप लोग बताइएगा कि 42 का क्या होता है। ठीक है आइए, मेरी तरफ से फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मीथेन हाइड्रेट के ऊपर चलते हैं। मीथेन हाइड्रेट बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, करेक्ट फाइंड आउट करना है। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, उसके बाद इसको जो सराउंड किया गया है मीथेन मॉलिक्यूल से सराउंड होता है। सेकेंड है कि जो मीथेन हाइड्रेट का डिपॉजिट है ये मेजरली ये आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में देखने को मिलेगा। थर्ड है कि ये इग्नियस रॉक में भी पाया जाता है जो कि आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के अंदर रहता है। तो 43 का आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल से आपका सराउंड होता है। मीथेन मॉलिक्यूल से कैसे सराउंड होगा, मीथेन हाइड्रेट जो है एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसमें कि मीथेन मॉलिक्यूल आपका वाटर मॉलिक्यूल से ये सराउंड होता है। ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, तो ऐसे ही हमारा आंसर निकल गया। तो सेकंड सही है, थर्ड भी यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि ये आपका सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, इग्नियस रॉक में नहीं पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं मीथेन हाइड्रेट होता क्या है। मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट जो है इसके पास पोटेंशियल होता है कि लार्जर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेगा, और सारे प्रेजेंट जो कि आज के डेट में वर्ल्ड में जो ऑयल, नेचुरल गैस या फिर कोल रिसोर्सेज कहीं पे भी आप देखोगे कि जो प्रेजेंट है उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि लार्जर हाइड्रोकार्बन जो रिसोर्सेज प्रेजेंट होता है वो मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट से होता है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आते हैं 44th नंबर क्वेश्चन में, प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है। फर्स्ट है कि अगर हम लोग रिवर में देखें तो अमेजोन जो है ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन का। सेकंड है कि पॉलीइथाइलीन टेरेपेथिलीन प्लास्टिक जो है ये रिप्रेजेंट करता है एज ए नंबर वन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है, तो फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें अमेजोन का तो ऐसा नहीं है, अगर हम लोग बात करें छांग जियांग जो चाइना का है उसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन है। तो हमारे अमेजोन रिवर जो है ऐसे ही बदनाम हो गया। ठीक है अमेजोन रिवर किसी और कारण से, वो अमेजोन जो है वो किसी और कारण से आपका फॉरेस्ट वो न्यूज़ में था, तो ये गलत है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। प्लास्टिक पॉल्यूशन होता क्या है, प्लास्टिक से होने वाला जो पॉल्यूशन है उसको प्लास्टिक पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है नहीं देखिए जो प्लास्टिक हम लोग क्या करते हैं कि बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोग कोई भी सामान खरीदो तो आपको दुकान में फ्री में मिल जाता है प्लास्टिक, और उस प्लास्टिक को क्या करते हैं हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। मान लीजिए कि कुछ भी आप लोग स्ट्रॉ वगैरह जैसे टिंडर कोकोनट पी रहे हो, तो स्ट्रॉ आपने फेंक दिया, टिंडर कोकोनट भी फेंक दिया, तो उससे क्या होता है ना कि वो सारे अगर ओशन में वो डिपॉजिट होते जाते हैं तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और वो आज डेट में लार्ज नंबर में वो आप देखोगे कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कमिंग टू द 45th क्वेश्चन, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, करेक्ट बताना है। ये जो प्रोसेस है गैसिफिकेशन का, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। सेकंड है कि जो प्लाज्मा क्लासिफिकेशन है ये यहाँ पे म्यूनिसिपल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। थर्ड है कि जो पायरोलिसिस है ये एक आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
तो यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये इनकरेक्ट है। जो गैसिफिकेशन का प्रोसेस है उससे कार्बन मोनोक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, हमारा आंसर ऐसे ही निकल गया। लेकिन फिर भी थर्ड भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, पैरालिसिस। सेकंड यहाँ पे सही है कि जो प्लाज्मा गैसिफिकेशन है ये हमारे म्यूनिसिपल वेस्ट जो कचड़े होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए है। गैसिफिकेशन में क्या होता है, गैसिफिकेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन बेस्ड मटेरियल जो है वो चेंज होता है बायोमास में। जैसे कि बायोमास आप देखोगे कि ये आपका चेंज हो जाएगा दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बिना उसको जलाए हुए, तो ये कन्वर्ट करता है, जैसे वेस्ट मटेरियल है ना उसको गैस में कन्वर्ट करता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है उसके थ्रू, तो इसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं गैसिफिकेशन। तो ये याद रखिएगा, गैसिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, 80% जो केमिकल एनर्जी है ना वेस्ट फ्यूल में वो यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो गैस फेज में है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर हम लोग प्लाज्मा गैसिफिकेशन की बात करें तो ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जिसको कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है या फिर उसी को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका पैरालिसिस, ये ठीक है, ये भी आपका वेस्ट को ही ट्रीट करने के लिए है। तो एक ये थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट है जो कि यहाँ पे आप किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ये अप्लाई किया जा सकता है, और ये आपका प्योर प्रोडक्ट को साथ ही साथ मिक्सचर को, इट कैन बी डन और प्योर प्रोडक्ट में भी या फिर मिक्सचर में भी इसको किया जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये सारे कुछ प्रोसेस हैं जो कि हम लोग वेस्ट को ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। कमिंग टू द 46 क्वेश्चन नंबर, इनमें से आपको इनकरेक्ट बताना है कि वेरिएशन इन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। फर्स्ट है कि जो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है वो हायर आपको देखने को मिलेगा इक्वेटर में, ना कि पोल में। सेकंड कि एक्सोजेनिक जो प्रोसेस है इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं होता बायोडाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करने में। थर्ड है कि जो पोलर रीजन है इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्यूअर स्पीसीज देखने को मिलेगा। फोर्थ है कि जो मोर द वेराइटी ऑफ स्पीसीज इकोसिस्टम में है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इकोसिस्टम जो है स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है गलत कौन सा है। तो डी तो बिल्कुल सही है कि जितना ज़्यादा आपका इकोसिस्टम में स्पीसीज होगा उतना ज़्यादा जो है इकोसिस्टम स्टेबल होगा। सी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी सही है कि जो पोलर रीजन है इसमें लार्ज नंबर ऑफ कम स्पीसीज है, बहुत ही कम स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा। ए भी सही है कि जो टेरेस्ट्रियल आपका बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वेटर में ज़्यादा है पोल में कम है। जैसे ही हम लोग जो है हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं बायोडाइवर्सिटी जो है कम होते जाता है। बी यहाँ पे इनकरेक्ट है, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे एक्सोजेनिक जो प्रोसेस है ये कहा जा रहा है कि इसमें बायोडाइवर्सिटी में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। एक्सोजेनिक प्रोसेस जिसमें कि आपका फोर्स जो है वो बाहर से लगाया जाता है, जैसे कि वेदरिंग हो गया, वेदरिंग में क्या होता है कि पत्थर जो है आपका टूटता है, तो ये इससे वेजिटेशन तो इन्फ्लुएंस होता ही है, बायोडाइवर्सिटी भी इन्फ्लुएंस होता है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है कि नहीं। अब आते हैं 47 में, 47 में है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है, सूखा होना, इन्वेसिव स्पीसीज, या फिर पेस्टिसाइड का यूज़ करना एग्रीकल्चर में, या फिर लैंड यूज़ जो चेंज हो गया उसके कारण। तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो देखिए चारों बिल्कुल सही है कि हमारे अर्थ में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको थ्रेट हो रहा है। तो थ्रेट कैसे हो रहा है, बहुत लंबे समय तक अगर कहीं भी आपका सूखा हो तो वहाँ से बायोडाइवर्सिटी बर्बाद होते हैं, बहुत लंबे समय तक अगर बाढ़ भी हो, फ्लड भी हो, तो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी बर्बाद होते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज यानी कि कोई ऐसी स्पीसीज आ जाना जिससे कि अगल बगल वाले जो स्पीसीज है उनको डिस्टर्ब करना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना एग्रीकल्चर में, और आज के डेट में लैंड यूज़ जो चेंजेस होते जा रहा है, ज़मीन को यूज़ करने का तरीका, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है। क्योंकि कहीं भी ज़मीन आप देखते हो तो आज की डेट में क्या किया जाता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया जाता है कि उसको पार्किंग जोन बना दो या फिर वहाँ पे बिल्डिंग बना दो, वहाँ पे कुछ भी जो डेवलपमेंट का काम करे, तो बायोडाइवर्सिटी तो हमारी ख़त्म हो गई ना, थ्रेट हो रहा है। तो चारों यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं 48 में, अगर हम लोग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें आपको बताना है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया में कहाँ है, तो 2017 फिर 2019, तो ये दोनों देख के जाइएगा, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए यूपीएससी पहले से पूछ लेती है। ठीक है, देखिए यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स आपको 2019 जून से तो करना ही करना है, उससे पहले से अगर आप करते आ रहे हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन इतना कर रहे हो तो इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कैच हो सकता है। तो ये बताना है अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मिजोरम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2017 के अकॉर्डिंग जो है फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर वो एरिया होता है जिसमें कि आपका फॉरेस्ट लैंड में आप देखोगे कि कितना ट्रीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 49 में, इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ को डिक्लाइन करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, हमारे वाइल्ड लाइफ जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो कौन सी है। यहाँ पे डोमेस्टिक कैटल के थ्रू जो है ग्रेजिंग किया जा रहा है,
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनके रहने का जगह ख़त्म हो रहा है, फॉरेस्ट फायर है, जंगलों में आग लगते जा रहा है, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो आपको करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगेन इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ऑल ऑफ द अबव आंसर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि डोमेस्टिक कैटल के द्वारा ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, हम लोग इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जानवरों के रहने की जगह ख़त्म हो रही है, इसलिए जानवर आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ रेसिडेंशियल एरिया में वो आ जा रहे हैं। फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसका कुछ पूछना ही नहीं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर था तो उसमें बहुत सारे कंगारू जल के मर गए थे। तो ऐसे ही होता है कि जहाँ पे भी जंगलों में आग लगता है तो जंगल में जो है बहुत सारे स्पीसीज होते हैं वो वैसे ही जल जाते हैं। इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो सारे यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आते हैं 50 क्वेश्चन में, ये हमारा डायरेक्ट पूछा जा रहा है जो हम लोग डिस्कस किए थे सांबर लेक के बारे में। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो दूसरे कंट्री के हमारे यहाँ आए थे और उनका डेथ देखने को मिला था, क्यों? बॉटुलिज्म के कारण। तो ये भी ध्यान रखना है कि बॉटुलिज्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है क्यों, किस कारण से मर गए थे। तो फर्स्ट है कि बॉटुलिज्म एक सीरियस बैक्टीरियल न्यूरोमस्कुलर इलनेस है जो किसी बर्ड में होता है। सेकेंड है कि सांबर लेक जो है इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, तो करेक्ट बताना है फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि बॉटुलिज्म में एक सीरियस बैक्टीरियल न्यूरोमस्कुलर इलनेस है, यानी कि आपका नस में जो है ना वो बीमारी हो जाता है, लेकिन ये दोनों को अफेक्ट करता है, ये एनिमल को भी, बर्ड्स को भी और ह्यूमन बींग को भी ये अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि ओनली ये बर्ड्स को अफेक्ट करता है, इसलिए ये गलत है। बहुत सारे यहाँ पे नियरली आप देखोगे 17,000 माइग्रेटरी बर्ड सांबर लेक में जो है ना वो डेड कर गए थे, काफ़ी बिग न्यूज़ था, काफ़ी कवर किया गया था। तो ये हुआ क्यों था, एवियन बॉटुलिज्म के कारण, एक सीरियस ये आपका डिजीज़ है जो कि बर्ड्स में देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज ये रहे फर्स्ट 50 क्वेश्चंस, नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस हम लोग अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, तो आप लोग दो पार्ट में ज़रूर इसको देखिएगा। और विजन आइस के अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो बेशक आप लोग ज्वाइन कर सकते हो rishika.cs77@gmail.com में मेल करके। ओके, सो आज के लिए इतना ही, अगर लेसन अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, क्योंकि हम मुझे इसी से मोटिवेशन मिलती है और मैं इसी से आपके लिए डेली वीडियो लेकर आती हूँ। साथ ही अगर आप लोग को कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।